तो आप ज्यादा वेट नहीं करते, सस्पेंस खत्म करते हैं इन 3, 2, 1। सो फ्रेंड्स, फाइनली वेट ओवर होने वाला, भैया बस आ रहे हैं। तो पार्सल लेते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग भी बताते हैं कि हम लोग मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले भैया से पार्सल रिसीव करते हैं। फाइनली भैया का कॉल आ रहा है, पार्सल वाले भैया, कि आपका पार्सल आ चुका है, तो आ जाइए लेने। तो चलते हैं, यहीं पर भैया आएंगे अभी। सो एक्साइटेड यार, मेरा नया सामान। मेरे फेस टू इंडोर मिलना और फाइनली मुझे पार्सल मिल चुका है यार, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इसको अनबॉक्सिंग करने का, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था इसको लेना है। फाइनली ऑर्डर कर दिया और पार्सल भी आते हैं, तो वेट नहीं हो रहा है इसको अनबॉक्स करने का। आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा पार्सल है, चलते हैं ऊपर और अनबॉक्स करेंगे। और मेरे फेस टू हुलिया तो मैं सो रहा था लिटरली, क्योंकि नींद आ गया था। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी सा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सुराज डॉक्टर स्वागत है नए व्लॉग में। गाइस, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल पार्सल, जो ये रहा। सो गाइस, मैंने फाइनली इसे ऑर्डर कर दिया और इसके अंदर क्या है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और अगर आपने कमेंट देख कर लिया तो कमेंट वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ इसमें है क्या। जैसा बॉक्स देख सकते हो यार, बहुत छोटा सा बॉक्स है, मतलब मेरे हाथों पे आ जा रहा है, तो देख सकते बताना क्या है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत जल्दी अपडेट मिलता है अमन राज ब्लॉग। और जैसा आप देख सकते हो यार, मैं बैग टू ब्लॉग कर रहा हूँ, आज पूरा अनबॉक्सिंग ब्लॉग होने वाला, इसका मैं जो अंदर है उसको रिव्यू भी करने वाला हूँ, यूज भी करने वाला हूँ, आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं। हिंट मिल रहा है तो जाए जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि इसमें है क्या। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है यार, और लिटरली इसका मुझे बहुत ज़्यादा नीड था, क्योंकि जो मैं अभी यूज़ कर रहा था वो ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने ये न्यू ऑर्डर किया है। तो बस ज़्यादा सस्पेंस नहीं करते हैं, करते हैं इसको अनबॉक्स, तो मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ बॉक्स है और ये मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, तो ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स आया, तो ये थोड़ा छुपा लेते हैं, यहाँ पे आपको एड्रेस वैड्रेस मैंने मिल जाएगा। तो गाइस, सिंपल बॉक्स है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते, सीधा करते हैं इसको अनबॉक्स। तो गाइस, फाइनली बॉक्स ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो यार, ये पूरा बॉक्स ओपन हो चुका है और बस मेरे ऑटो के सामने है वो। तो अब ज्यादा वेट नहीं करते, सस्पेंस खत्म करते हैं इन 3, 2, 1। गाइस, मैंने मंगवाया है ओप्पो एनको बर्ड्स 2। गाइस, मेरा जो वन प्लस का नेटबैंड था वो बहुत ज्यादा एक तरफ से आवाज नहीं आ रहा था, उसका बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, बहुत दिन हो रहा था, अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स मैं यूज कर रहा था। तो मुझे बहुत TWS लेना था, तो इस बार मैंने सोचा ओप्पो एनको बर्ड्स लेते हैं, क्योंकि आप जो देख रहे हो मेरे पास ओप्पो रेनो 6 5G भी है और ओप्पो का बर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन होगा। तो इसका मैंने रिव्यू भी बहुत देखा है, बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी बताएंगे यूज़ करके, तो इसी ब्लॉग आप बने रहो, यूज़ करके बताएंगे इसका कैसा रहता है, कोई जेन्यून रिव्यू बताएंगे। गाइस, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं ना, ओप्पो वाले ने स्पॉन्सर किया, आप क्या ही स्पॉन्सर करेंगे, तो छोड़ दो। तो एक स्पॉन्सर नहीं, मैं जो हुआ गाइस, खराब हो तो खराब, अच्छा हुआ तो अच्छा, बट ऑर्डर कर दिए हैं, इसको यूज़ करते हैं और अनबॉक्स करते हैं। और गाइस, जैसा आप देख सकते हो, मैंने कलर मंगवाया है लाइम ग्रीन, मतलब बहुत लोग बहुत, मतलब इसमें दो कलर आते हैं गाइस, एक ब्लैक आता है, एक लाइम ग्रीन आता है, ब्लैक बहुत ज़्यादा कॉमन था, तो इस बार मैंने सोचा कुछ नया कलर मंगवाते हैं, तो मैंने मंगवाया लाइम ग्रीन। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, स्टेंसर निकालते हैं बर्ड्स और यूज़ करते हैं, आप लोग तो बताते हैं ये कैसा है। आप ऐसा देख सकते हो, ऐसा कुछ बॉक्स आता है ओप्पो एनको बर्ड्स, यहाँ पे ओप्पो एनको लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड्स 2 और यहाँ पे फोटो बना हुआ है जो आपको मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पेशल फीचर्स आपको बताए गए हैं, तो जो जो यहाँ पे फीचर्स मिलता है, और यहाँ पे भी ओप्पो एनको बर्ड्स 2 का है। और इसके और से तो ऐसा कुछ बॉक्स है, सिंपल बॉक्स है, ये फ्लिपकार्ट का स्टिकर है, और यहाँ पे भी ओप्पो एनको बर्ड्स 2 का मतलब बैजिंग दिया हुआ है, और ये ऐसा कुछ बॉक्स है, बहुत छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड बॉक्स है। तो अब चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ से मैं इसका रैपर फाड़ता हूँ, तो यहाँ से फाड़ने के बाद जैसे हम लोग पैसे निकालते हैं सिर्फ, और उसके बाद गाइस हम लोग निकालते हैं यहाँ से अपना पर्स, वो एंड जी। सो गाइस, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये लाइम ग्रीन, वो वाओ यार, मेरा तो गाइस फर्स्ट इंप्रेशन मतलब बहुत प्यारा लग रहा है, वो एंड जी मदर। आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है यार, मतलब तुम छोटा सा स्मॉल सा ड्रम ओवल शेप का ये डिज़ाइन है, बहुत प्यारा। और मेन इसका जो कलर है ये लाइम ग्रीन, बहुत प्यारा लाइट कलर है, बट थोड़ा गंदा भी होगा, बट मैंने इसके लिए टावर भी ऑर्डर कर चुका हूँ गाइस, इसका टावर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यार, बहुत प्यारा लग रहा है यार, लिटरली मतलब फर्स्ट इंप्रेशन है, तो बहुत, अभी मैंने इसलिए कुछ नहीं किया, इसको अनबॉक्स करते हैं और ऐसे इसको क्लिप हटाते हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे हमारे TWS रहते हुए बर्ड्स, तो इससे भी निकाल देते हैं, तो एक बर्ड्स ऐसा है और एक बर्ड्स ऐसा है, तो इसको पेयर करते हैं, पहले फिटिंग्स देते हैं गाइस कैसा है, कार में लगाते हैं गाइज। ये मेरे कान में तो बहुत अच्छे से फिट हो चुका है, आप देख सकते हो ऐसा कुछ है, तो मतलब गाइज ऐसे ऐसे मुंह हिलाने के भी ये बर्ड्स गिर नहीं रहा है,
तो आप देख सकते हो। तो अब चलो इसको मोबाइल से पेयर करके कुछ गाने वाने सुनते हैं और इसका असली टेस्ट करते हैं। अभी मैंने ये पेयर कर लिया अपने मोबाइल के साथ और अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो ये बर्ड्स का माइक है, इसमें माइक भी इनबिल्ट है। तो अभी जितना ही आप ब्लॉग देखते हैं इसमें विदाउट माइक मैंने यूज़ किया था और इसके साथ में आप देख रहे हो वॉइस चेंज हुआ, जरूर आपको जरूर अंतर आ रहा होगा क्योंकि आपने अभी जब जितना ही पिछले क्लिप देखे सब विदाउट माइक थे और ये जो आवाज़ आ रहा है ये ईयरबड्स का आवाज़ है और लिटरली यार टांग फाड़ने वाला आवाज़ है। मैंने अभी आधा घंटा तक मतलब नॉन स्टॉप इसको तो गाने सुने आधा घंटा तक, मतलब मज़ा आ रहा है लिटरली यार। और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, जैसे ये लोग क्लेम करते 28 आवर भी नहीं चले तो 12 घंटा तो जरूर चलेगा गाइस। तो यही था ओप्पो एंट्रो बड्स 2 का जो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिया हूँ, कोई रिव्यू नहीं था, कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। तो इसको मैं अभी बहुत दिन तक यूज़ करूँगा, उसके बाद आपको अच्छे से रिव्यू देने वाला हूँ। तो इसका वेट करना, मैं अपने से मतलब अच्छे से 2-4 दिन या 10-15 दिन यूज़ करने तक आपको अच्छा सा रिव्यू देगा या आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस इस ब्लॉग को यही पेंट करता है, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। इस ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन दबा देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाइम है।